वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असीं सुणांगे साखी भगत कबीर जी। कबीर जी सियाणे हो गए, उन्हां दी भगती, उन्हां दे ज्ञान अते नेक वर्ताव की चर्चा सारे बनारस विच खिलर गई। उन्हां दे घरों लोई जी दोहां बच्चियां दी मां हो चुकी सी। एक पुत्र कमाला सी ते दूसरी लड़की कमाली। दोवें बालक भी तगड़े हो गए। घर दे कम्मां विच हथ वटाउंदे कबीर जी घर ते जीवन दीआं लोड़ां पूरीआं करन वास्ते दसां नौहां दी किरत करदे, भाव कपड़ा बुणदे। जदों कपड़ा तैयार हो जांदा तां उसनूं बाज़ार वेचदे। वट्टी रकम नाल अन्न, घिओ, दुध ते लूण मिर्च खरीद के लिआउंदे, जिस नाल सारे जीआं दी पेट पूजा हुंदी सी। वाधू वस्तुआं कबीर जी कई वार साधू संतां नूं दिंदे। लोकां नालों वादा इह सी कि हत्थां नाल कार करदे ते जेबां नाल राम नाम दा सिमरन करदे। वह खुद राम रूप हो चुके सन, उन्हां ते राम विच भेद नहीं सी रहा। परमात्मा दी लीला दा भेत नहीं आउंदा। गरीबी भगतां दा पिछा नहीं छड्डदी, पर छावें वांग भगतां दे नाल रहिंदी है। एक दिन कबीर दे घर अन्न दी थोड़ सी। नीरू दे आखण ते कबीर कपड़े दा थान वेचण वास्ते बाज़ार गया। राजे हरीश चंद्र वांग कबीर दे नाम नूं परखण वास्ते एक साधु नूं बाज़ार विच भेज दिता। वह साधु कबीर जी नूं मिल के कहण लगा, वह भगता, तू बहुत धर्मी ते नेक करमी जापदा है। सियाल दे दिन नेड़े आ रहे ने, तन मेरा सारा नंगा है, उदाले दे बस्तर पाट गए ने। कितना चंगा होवे जे एक कपड़ा मैनू बस्तरां वास्ते बख्श देवें, तां परमात्मा तेरिया सारिया कामनावां पूरियां करेगा। तेरे घर तोट नहीं आवेगी, भंडारे भरपूर रहणगे। महात्मा जी, किन्ना कपड़ा चाहिदा है? कबीर जी ने पुछया। सारा थान ही, क्योंकि दो चादरे बनाउणे ने, साधु ने उत्तर दिता। कबीर ने सारा थान साधु दे हवाले कर दिता। वह थान नूं फड़ के जिधरों आया सी उधरों चले गया। राम सिमरन करन वाला भगवंत दा भगत साधु दे चले जाण पिछों सोची पै गया। थान तां दान कर दिता, हुण घर वास्ते सीधा राशन मुल किवें आवे? घर विच सारे भुखे उड़ीकदे होणगे। ये सोच के घर नूं जाण दी थां गंगा किनारे नूं तुर गया। गंगा दे निर्मल नीर किनारे जाके समाधि ला लई, राम नाम दा सिमरन करन लगे। लिव दसवें द्वार पुजी, भगवान दे चरणां विच ध्यान जुड़ गया। राम ही राम दी धुनी नूं लूं लूं विचों प्रगट हो रही सी। सर्वशक्तिमान भगवान अपने भगतां विच ध्यान रखदा है, भगतां नूं शर्मिंदा नहीं होण दिंदा, सारियां जीवन दीआं लोड़ां पूरियां करदा है। कबीर भगत ने भगवान दा दिल जित लिया। भगवान ने ख्याल किया कि भगत दा परिवार भुखा है, परिवार घर बैठा अन्न उड़ीक रहा है, पर भगत कबीर कपड़े दे थान नूं दान करके आप राम राम रट रहा है। हर जी ने अपना आसन छड्डिया, धरती उत्ते वसदे शहर बनारस विच आए। वणजारे बन के भगवान ने बाजार विचों अन्न, दाल, लूण, घिओ, गुड़ आदिक जिन्नियां भी वरतन वालियां वस्तुआं सन उन्हां नूं खरीदिया ते गड्डे उत्ते लदवा के कबीर जी दे घर पहुँच गए। बिना किसी नूं पुछण गिछण दे समान दीआं भरियां होईआं छट्टां सुट्टणियां शुरू कर दित्तियां। नीरू, नीमा ते कबीर दी इस्तरी लोई हैरान सन। वह तिन्ने अगे होए ते वणजारे रूप भगवान नूं आखण लगे, भाई, प्रतीत हुंदा है कि तू घर नूं भुल गया है। यह समान ना असा मंगाया है ते ना साडे विच पहुँच है, असी तां गरीब जुलाहे हाँ। ये किसी शाहूकार दा माल है, इत्थे ना सुट्टो। घाबरो ना, ये कबीर दा घर है, ये सब समान कबीर ने भेजिया है। अज कपड़े दा थान कबीर कोलों एक शाहूकार दे खरीदिया ते बहुत सारी माया दित्ती। उस माया नाल उन्होंने ये समान खरीदिया है। घबराउण दी लोड़ कोई नहीं, खाओ, आनंद लवो, भगवान वणजारे ने आख्या। लोड़ दीआं वस्तुआं नाल घर भर गया। बुढ़ेपे विच नीरू, नीमा खुश सन, इन्ने खुश कि वह बुढ़ेपे विच जवानी प्रतीत करन लग पए सन। लोई आनंद सी, कमाली ते कमाला समान देख देख के नच रहे सन। वह कदी शक्कर दे फक्के मारदे सन, कदी गुड़ खांदे सी। चौलां दीआं बोरियां देख उन्हां दा लहू वध रहा सी। बोरियां विच्चों चावल कढ के लोई ने पुला धर दिता, पुला बन गया। नीरू, नीमा, कमाले ते कमाली ने रज के खाधा, पर लोई अजे भुखी बैठी सी, क्योंकि उहदा जीवन साथी कबीर घर नहीं सी आया। उस नूं उड़ीकदी सी, तरकाला पै गईआं कबीर ना आया। सारे परिवार नूं चिंता हुई। नीरू, नीमा लभण गए, कईआं नूं पुछिया, पर कोई सूह ना निकली कि कबीर कित्थे है। संतां दे अड्डे देखे, दोवें जी ढूंढदे ढूंढदे गंगा किनारे चले गए। अगे कबीर चौंकड़ी मार के समाधि लाई बैठा सी, उसदे चुगिरदे राम नाम दी गूंज सी। नीरू ने मोढ़ियां तो फड़ के कबीर नूं आवाज़ दित्ती, कबीर पुत्तर, कबीर। कबीर ने अखां खोलियां, अखां अगे हनेरा सी, रात हो चुकी सी। अपनी माँ ते बाप नूं देख के त्रबक उठे। माँ बाप नूं देखदे सार उन्हां नूं चेता आया कि उह तां थान वेच के अन्न खरीदण आए हुए हन, पर थान तां साधू नूं दे दिता, हुण उह की दसे।
ਉਹ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਥਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਰਚਣੇ, ਕੁਝ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਘਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਸੀ, ਲੋਈ ਪੁਲਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੁਲਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।